पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भोज्य पदार्थ में संतुलित आहार के सभी पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं? अंडा, दूध, चिकन या फिर मछली? राइट आंसर इज दूध। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से संबंधित अवधारणाओं में सबसे पहली अवधारणा कौन सी है? बायोमेडिकल, साइकोसोशल, रिलीजियस या फिर इकोलॉजिकल? राइट आंसर इज रिलीजियस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वृद्धावस्था में आंखों में कौन सा रोग होने की संभावना बनी रहती है? दूरदृष्टि दोष, भेंगापन, निकट दृष्टि दोष या फिर मोतियाबिंद? राइट आंसर इज मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की वसा का प्रतिशत मापा जाता है? एंथ्रोपोमीटर, टेनलियामीटर, स्किन फोल्ड कैलिपर या फिर फ्लेक्सोमीटर? राइट आंसर इज स्किन फोल्ड कैलिपर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लंबी हड्डियां किस प्रकार का कार्य करती हैं? ताकत, रक्षा, लीवर या फिर जोड़ों के पास मांसपेशियों का जोड़ना? राइट आंसर इज लीवर। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी संकुचन के दौरान मांसपेशी परिमाण में कोई अंतर न आए तो यह संकुचन क्या कहलाता है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेट्रिक या फिर कॉन्सेंट्रिक? राइट आंसर इज आइसोमेट्रिक। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस ओलंपिक में खेल गांव बनाए गए? 1920 एंटवर्प, 1924 पेरिस, 1928 एमस्टर्डम या फिर 1932 लॉस एंजिल्स? राइट आंसर इज 1932 लॉस एंजिल्स। अगला क्वेश्चन है, हृदय दर और स्ट्रोक वॉल्यूम के अभ्यास के दौरान बढ़ जाने से निम्न में से क्या परिणाम होंगे? टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वेनस रिटर्न घट जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा या फिर क्रियात्मक मांसपेशियों में रक्त कम मात्रा में जाएगा? राइट आंसर इज कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ब्लड ग्लूकोज, मसल ग्लाइकोजन, ट्राई ग्लिसराइड या फिर एटीपी तथा सीपी? राइट आंसर इज ट्राई ग्लिसराइड। अगला क्वेश्चन है, मोहन 1 मिनट में आराम की अवस्था में 5 लीटर ऑक्सीजन ग्रहित करता है तथा मोहन ही अभ्यास के पश्चात क्षतिपूर्ति काल में 8 लीटर ऑक्सीजन ग्रहित करता है, यह अतिरिक्त 3 लीटर ऑक्सीजन क्या कहलाएगी? राइट आंसर इज ऑक्सीजन ऋण।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक मुक्केबाज को क्या कहा जाता है? टॉक्सोफिली, पेल, पुगिलिस्ट या फिर केजर्स? राइट आंसर इज पुगिलिस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एंकर रनर किसे कहा जाता है? 100 मीटर के धावक को, फुटबॉल में जो गेंद लेकर भागता है, रिले रेस टीम के आखिरी धावक को, या फिर मैराथन दौड़ में पहले कर्व पर आने वाले धावक को? राइट आंसर इज रिले रेस टीम के आखिरी धावक को। अगला क्वेश्चन है, किस शैली द्वारा एक तैराक तेज तैराकी कर सकता है? फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक या फिर ब्रेक स्ट्रोक? राइट आंसर इज फ्री स्टाइल। अगला क्वेश्चन है, फाटलेक से क्या विकसित किया जाता है? चाल, सहनशीलता, ताकत या फिर चपलता? राइट आंसर इज सहनशीलता। अगला क्वेश्चन है, वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? रेनिन, अमाइलेज, ट्रेप्सिन या फिर लाइपेज? राइट आंसर इज लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे बच्चे के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा सामान्य से अधिक दी जाएगी? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर मिनरल? राइट आंसर इज प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला ISI मार्क किस पर लगाया गया था? यूरिया, फुटबॉल पर, तिरंगे पर या फिर ट्रैक सूट पर? राइट आंसर इज तिरंगे पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से हैदराबाद में क्या स्थित है? साई, IASM, NIN या फिर NNCPE? राइट आंसर इज NIN। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग की जांच के लिए शरीर में निम्न में से किन पदार्थों का परीक्षण किया जाता है? मूत्र, आंसू, पसीना या फिर लार? राइट आंसर इज मूत्र। अगला क्वेश्चन है, गैस क्रोमेटोग्राफी तथा मास स्पेक्ट्रोमेट्री नामक तकनीकों का प्रयोग निम्न में से किसकी जांच के लिए किया जाता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में इंसुलिन की मात्रा, एड्स की जांच के लिए या फिर डोपिंग की जांच के लिए? राइट आंसर इज डोपिंग की जांच के लिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण शारीरिक शिक्षा की फिजियोलॉजी लैब में नहीं आता है? स्टेथोस्कोप, स्टेडियोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर लैक्टिक एसिड एनालाइजर? राइट आंसर इज स्टेडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में किस राष्ट्र अध्यक्ष ने और किस खिलाड़ी को गले में पदक पहनाने से मना कर दिया? राइट आंसर इज 1936 बर्लिन, हिटलर, जेसी ओवेन। अगला क्वेश्चन है, एशियन खेलों को कौन सी संस्था संचालित करती है? आईओसी, आईओए, ओसीए या फिर एसए? राइट आंसर इज ओसीए। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ होता है जिसमें सभी विटामिन व मिनरल पाए जाते हैं? दाल, दूध, सोयाबीन या फिर मछली? राइट आंसर इज दूध। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? रेनिन, टाइलिन, एमाइलेज या फिर ट्रिप्सिन? राइट आंसर इज रेनिन। अगला क्वेश्चन है, केडी जाधव ने किस ओलंपिक तथा किस देश में भारत के लिए एकल स्पर्धा में पहला पदक अर्जित किया? 1936 बर्लिन हॉकी, 1948 लंदन जिम्नास्टिक, 1952 हेलसिंकी या फिर 1960 रोम कुश्ती? राइट आंसर इज 19 हेलसिंकी कुश्ती। अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट क्रिकेट मैच के एक ओवर में कितनी बाउंसर अनुमति है? 1, 2, 3 या फिर 4? राइट आंसर इज 2। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिया नामक शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी, इटली, चीन या फिर ग्रीस? राइट आंसर इज ग्रीस। अगला क्वेश्चन है, सेट शॉट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? स्नूकर, स्क्वैश, गोल्फ या फिर बास्केटबॉल? राइट आंसर इज बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए भाले का बार कितना होता है? 600 ग्राम, 800 ग्राम, 650 ग्राम या फिर 850 ग्राम? राइट आंसर इज 600 ग्राम। अगला क्वेश्चन है,
अपेंडिक्स नामक शारीरिक अंग मानव शरीर के लिए आदिकाल में क्या कार्य करता है? भोजन को पचाने में मदद, कच्चे भोजन को पचाने में मदद, पाचक रसों के स्राव में मदद, या फिर पाचन के दौरान तापमान बढ़ाए रखता है? राइट आंसर इज कच्चे भोजन को पचाने में मदद। अगला क्वेश्चन है, हमारा रक्त अशुद्ध कहाँ पर होता है? मांसपेशियों में, तंत्रिकाओं में, फेफड़ों में, या फिर हृदय में? राइट आंसर इज फेफड़ों में। अगला क्वेश्चन है, क्या मापता है? लचकता, चपलता, गति या फिर ताकत? राइट आंसर इज लचकता। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी या फिर फुटबॉल? राइट आंसर इज फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? राइट आंसर इज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में खाए गए आयरन द्वारा क्या उत्पादित होता है? रक्त कोशिका, जैव द्रव्य, हीमोग्लोबिन या फिर अस्थि मज्जा? राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, विल्मा रुडोल्फ नामक महिला खिलाड़ी के चर्चित होने का संबंध किस ओलंपिक से है तथा उसका संबंध किस देश से है? 1948 लंदन, 1960 रोम, 1964 टोक्यो या फिर 1952 हेलसिंकी? राइट आंसर इज 1960 रोम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक लीवर का कार्य नहीं करता? क्रिकेट का बैट, पेच, पुली या फिर हॉकी की गेंद? राइट आंसर इज हॉकी की गेंद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी लीवर को क्या कहा जाता है? गति का लीवर, ताकत का लीवर, लंबे प्रसार का लीवर या फिर संतुलन का लीवर? राइट आंसर इज संतुलन का लीवर। अगला क्वेश्चन है, गति के नियम बनाने वाले सर आइजैक न्यूटन निम्न में से क्या थे? जर्मनी के सिविल इंजीनियर, नॉर्वे के गणितज्ञ, ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री या फिर अमेरिका के यांत्रिक शास्त्री? राइट आंसर इज ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक क्रिया द्वितीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है? आंखों का झपकना, अंगुली से इशारा करना, जबड़ों को खोलना या फिर घुटने को झटका देना? राइट आंसर है जबड़े को खोलना। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का संबंध जैव यांत्रिकी में किससे है? आयरन, स्थिरता, संतुलन या फिर भार? राइट आंसर है भार। अगला क्वेश्चन है, अगर वस्तु हवा में हो तो निम्न में से क्या बदलाव के लिए असंभव है? वस्तु के भार में, वस्तु की गति में, वस्तु के आकार में या फिर वस्तु की स्थिति में? राइट आंसर है वस्तु के भार में। अगला क्वेश्चन है, प्लांटर फ्लेक्शन नामक गति सिर्फ शरीर के किस अंग से संबंधित है? घुटने, कूल्हे, टखने या फिर कलाई? राइट आंसर है टखने। अगला क्वेश्चन है, हमारी कोहनी निम्न में से कौन सी गति नहीं करती? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या फिर प्रोनेशन? राइट आंसर है घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, हाथ की अंगुलियों को शरीर के मध्य रेखा की ओर मोड़ना क्या कहलाएगा? इनवर्जन, एडक्शन, एब्डक्शन या फिर फ्लेक्शन? राइट आंसर इज इनवर्जन। अगला क्वेश्चन है, चल संधि के पास जहां साइनोवियन नामक तरल पदार्थ पाया जाता है उस कैप्सूल को क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल, ग्लोमुलर कैप्सूल या फिर प्लूरा कैप्सूल? राइट आंसर इज फाइब्रस कैप्सूल। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर की गेंद लेग स्टंप पर न जाकर बाहर ऑफ उगली, चाइनामैन, दूसरा या फिर तीसरा? राइट आंसर है चाइनामैन। अगला क्वेश्चन है, एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम चरण में ऊर्जा कोशिश में कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइकोप्लाज्म, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? राइट आंसर है साइकोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा यूनान से संबंधित नहीं है? पैलेस्ट्रा, कोलेजियम, टाइगेट्स पर्वत या फिर पिंडार? राइट आंसर है कोलेजियम।